हेलो दोस्तों, रेडियंट रुचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी को, जो आपके दांतों को एकदम मोती की तरह सफेद और चमकदार बना देगा। दोस्तों, हंसता और मुस्कुराता चेहरा किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपके दांत गंदे और पीले हों तो आपके चेहरे की खूबसूरती खराब हो जाती है और आपके पर्सनैलिटी पर भी इसका निगेटिव असर पड़ता है। दोस्तों, ये रेमेडी आपके दांतों की हर समस्या को दूर करेगा, जैसे कि दांतों का पीलापन, दांतों का कालापन, दांतों में दर्द का होना या फिर मसूड़ों में सूजन का होना, इन सभी परेशानियों से ये रेमेडी आपको छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही असरदार रेमेडी है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और साथ ही इसको बनाना ही बहुत ही ईजी है। तो चलिए दोस्तों, इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेमेडी बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले हल्दी यानी टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे दांतों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। हल्दी हमारे दांतों के इन्फेक्शन को और मसूड़ों के इन्फेक्शन को दूर करती है, जिससे मसूड़ों का सूजन कम हो जाता है। तो हम सबसे पहले आधी छोटी चम्मच हल्दी को ले लेते हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट को ऐड करेंगे। दोस्तों, सेंधा नमक भी हमारे दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो हम यहाँ एक चुटकी सेंधा नमक को ऐड कर लेंगे। दोस्तों, अब हमें इसमें नींबू के रस को ऐड करना है। नींबू भी हमारे दांतों के पीलापन को हटाने में और मुंह के गंदगी को दूर करने में काफी मदद करता है, तो हम यहाँ 3 से 4 बूंद नींबू के रस को ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें हमें सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल को ऐड करना है। दोस्तों, सरसों के तेल का इस्तेमाल हम पुराने समय से ही अपने दांतों के लिए करते आ रहे हैं। सरसों का तेल हमारे दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे दांतों का कालापन, हमारे दांतों का पीलापन और हमारे दांतों के दर्द को दूर करता है और साथ ही मसूड़ों की सूजन को कम करता है। अब इसमें 3 से 4 बूंद सरसों तेल को ऐड कीजिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपको इस रेमेडी को अपने उंगली पर लेकर हल्की हल्की उंगली से दांतों पर मसाज करना है, इस तरह से। आपको बहुत जोर से मसाज नहीं करना है, बस हल्की हल्की उंगलियों से अपने दांतों पर मसाज कीजिए। और 2 से 3 मिनट तक लगे रहने दीजिए और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से रिंस यानी कुल्ला कर लीजिए। दोस्तों, इस रेमेडी को अगर आप 10 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दांत पहले से बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, आपके दांतों का पीलापन और कालापन धीरे धीरे रिमूव होने लगा है और साथ ही आपके मुँह की बदबू भी दूर हो गई है। दोस्तों, इस रेमेडी को आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। ये रेमेडी आपके दांतों की सभी समस्या को दूर करेगा। ये रेमेडी आपके दांतों को सफेद मोतियों की तरह चमकाएगा, आपके मुंह की बदबू को दूर करेगा और साथ ही मसूड़ों की सूजन को भी ठीक करेगा। दोस्तों, ये अजमाया हुआ बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, 100% नेचुरल है, नेचुरल चीजों से बना है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।